जो न्यूजीलैंड की टीम गई है वापस, ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। और वो जो एक फ्रेज यूज़ करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वॉर बाय अदर मींस, ये उसका एक ट्रेलर है। मेरा अपना ख्याल ये है कि तालिबान्स को दुनिया बिल्कुल नापसंद करती है, वेस्ट जो है वो उसकी बिल्कुल ताईद में नहीं है, और तालिबान्स के लिए भी सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो है उनकी अपनी पर्सनल रिकग्निशन का और लेजिटिमेसी का। मैं क्रिकेट टीम के वापसी को तालिबान से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, वो एक ऐसी कोई बात इसलिए बन रही है कि इट इज़ नॉट अ क्रिकेटिंग डिसीजन, इट इज़ नॉट अ स्पोर्टिंग डिसीजन, जो मैं समझता हूँ। ये मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल डिसीजन है, और ये उस ग्रेट गेम के रिस्पॉन्स में जो इस एरिया में चल पड़ी, और पाकिस्तान के लिए मुझे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि हमारी बहुत बड़ी फॉलोइंग है क्रिकेट की, क्रिकेट क्रेजी नेशन है, बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, 11th आवर के ऊपर लास्ट मोमेंट पे इसको कैंसिल करना एक बहुत बड़ा शॉक है, एक माइंडसेट और को इफेक्ट करने वाली चीज़ है, जो कि बच्चों के लिए मुश्किल है समझ, ना सिर्फ बच्चों के लिए, सारे नेशन के लिए। इट्स लाइक आइसोलेटिंग यू, आपकी जो इंटरनेशनल आइसोलेशन की इंडिया की कोशिशें हैं। मैं अभी ये किसी से बात भी कर रहा था कि क्वैड का एक एलिमेंट है जो कि इस एरिए में इंडियन ओशन की डोमिनेशन के लिए एक बनी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर खान का जो हॉकीश इंटरव्यूज है और एटीट्यूड है, क्या ये इमरान खान के अपने जो है जो इस वक्त स्टैंडिंग है वो वेस्ट के लिए बड़ी कंजर्वेटिव स्टैंडिंग है, और इमरान खान की जो ख़ास तौर पे जो अभी नया कैरिकुलम जो इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को, बाहर की मैं बात नहीं करूँगा, मतलब इंटरनली पाकिस्तान की बात करूँगा, लोगों को उस पर भी शिकायत है कि किस तरीके से वो एक बहुत वन साइडेड, वन डायमेंशनल है, और एक फ्री अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे कि एक फ्री अपॉर्चुनिटी एक थिंकिंग माइंड होनी चाहिए टू बी एबल टू मेक इट्स ओन डिसीजन। इस टाइम पे बुशरा बीबी को साइकेट्रिक वार्ड में भेज के वो एक बहुत बड़ा एक इशू है, जो मैं समझता हूँ कि टाइम इशू तो नहीं है, ये मैसेज है। नहीं, मैसेज है, मैसेज किसके लिए, ये समझना है कि किसके लिए मैसेज है। आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बुरा मैसेज है, तालिबान के लिए एक अच्छा मैसेज है, और पाकिस्तान के लिए भी एक बुरा मैसेज। मैं इसलिए समझता हूँ कि हम लोगों के लिए, मेरी ख्वाहिश है कि एक ह्यूज मिडिल ग्राउंड होना चाहिए जिसके अंदर हम लोगों को होना चाहिए, पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, एंड्स के ऊपर हमारी सोच और हमारी आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन द मिडिल फ्रॉम वेयर वी, जहाँ से हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा सकेंगे। हमारी बच्चियां, प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये सब कुछ खुद से कर रहे हैं या ही इज डूइंग इट विद कंसल्टेशन? मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। हमारे पास बहुत से स्ट्रॉन्ग मैन आए हैं पॉलिटिक्स में रूल करने के लिए, अयूब खान, भुट्टो, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। मेरा ख्याल ये इन सब लोगों ने बड़े बड़े ऐसे डिसीजन लिए जो मुश्किल लगते थे लेने, और जल्दी से लिए डिसीजन, यूनिलैटरली भी लिए, लेकिन इन्हीं सब लोगों ने अगर आप देखें तो ब्लंडर्स भी कमिट किए। इमरान खान भी एक ऐसे ही पॉलिटिशियन, मैं उनको एक टाइटल देता हूँ एक अनमूव्ड मूवर का, यानी कि वो मूव भी कर रहे हैं लेकिन अनमूव्ड भी हैं, और मूव सिर्फ उस डायरेक्शन में करते हैं जो उनको समझ आती है कि सही है, और उसके ऊपर वो स्टबर्न हो जाते हैं और ऐसा स्टैंड ले लेते हैं जिसमें वो किसी की बात सुनते नहीं। लेकिन आवाम को चस नहीं आ रहा होगा कि उनके लीडर जो है वो इतने अग्रेसिवली जो है वेस्ट को जवाब दे रहा है। दिस इज नॉट व्हाट वी ऑल वांटेड ऑलवेज। असल में इन द इंटरनेशनल नेशन और सिस्टम में जिसका हम हिस्सा है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली, आई थिंक द मेजर टूल फॉर यू शुड नॉट बी द यूज़ ऑफ एनी अदर मीन्स बट डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी अगर सही डिप्लोमेसी वो है जिसके अंदर बहुत सी राय आपकी उसमें शामिल हो और एक कंसेंसस से आप आगे चले, नॉट एज अ स्ट्रॉन्ग मैन। थैंक यू वेरी मच।